वो अल्लाह के करीब हो जाता है। फिर अगली बात फरमाई, क्या मुलैल नबी ने फरमाया बुराइयां दूर हो जाएंगी बाइद बैनी कमा बाइत बहनल मशरक वल मगरब, मेरे और ये मुस्तकबिल के गुनाहों के बारे में दुआ हुई है कि मेरे और गुनाहों के दरमियान में मशरक मगरब का फासला तय कर। फरमाया दो बातें होंगी, एक तो बुराइयां इतनी दूर अल्लाह तुझसे ले जाएगा कि तुझे हमेशा नेकी का माहौल में असर आएगा, शैतान और नफ्स तुझे वरगला नहीं सकेंगे। अल्लाह वस्वसु फी सुदूरी नास मिनल जिन्नति वन्नास, तुझे जिसको तहज्जुद की फिक्र होगी वो यारों में कब बैठेगा, वो रात को फेसबुक पे कब बैठेगा, वो रात को इंस्टाग्राम कब चलाएगा, वो कब अपने यारों के साथ घूमने फिरने के लिए निकलेगा, उसको पता है सुबह तहज्जुद ही पड़ी जानी। फरमाया दूर हो जाएंगे सब जितने भी तेरे यार गुनाहों पर और तेरा टाइम किलिंग करने वाले तेरे यार, तुझे बर्बाद कर देने वाली फेसबुक, तुझे बर्बाद करने वाला व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तुझे ले गई इस उम्मत को। फरमाया और फिर अगला मरहला ये आएगा, गुनाह मिट जाएंगे, क्या मुलैल ऐसा होगा तेरा अल्लाह जिया जो तुम्हारे बोझों को खत्म कर देगा, गुनाह डिप्रेशन से निकल जाएगा, परेशानियों से निकल जाएगा, ना भी माल हुआ इतना दिल के अंदर इत्मीनान होगा कि हर वक्त राजी बे रजा रहेगा, हर वक्त राजी बे रजा रहेगा। माल के आने से सब कुछ नहीं है, माल के आने से सब कुछ नहीं है, माल तो होता तो अली मुतमिन ना होता, माल तो होता हुसैन मुतमिन ना होता, हसन ना होता, अबू बकर ना, अबू बकर तो माल दे के मुतमिन हुआ, उमर इतने में वो रफीक नबूवत भी आ गया, फिर जिससे बनाए इश्को मोहब्बत उस्तवार, बोले हुजूर कुछ फिक्र है याल भी चाहिए, कहने लगा वो इश्को मोहब्बत का पासा, परवाने को चिराग और बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल, बस अल्लाह 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 अकबर कबीरा या हसबुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर कहे हसबुना किताबुल्लाह, उम्मती कहे हसबुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोमिन की तो आवाज यही है हसबुना रसूलुल्लाह, मुझे मेरा नबी काफी है, माल और दौलत में, ओहदों में, हर चीज में मुझे मेरा नबी काफी है, मुझे मेरा नबी काफी है। मोमिनों के लिए यह है। फरमाया गुनाहों के मिटने का, माल के दूर होने से गुनाह के मिट, और फिर फरमाया और बीमारियों के जिस्म से दूर भागने का एक जरिया है तहज्जुद पढ़ने वालों को, तहज्जुद पढ़ने वालों को जब वो अपनी शिफाओं के लिए अल्लाह की बारगाह में रोएंगे तो अल्लाह ताला उनकी बीमारियों को दूर करेंगे, दूर करेंगे। लोग पूछते हैं आप रोजा रखकर दो घंटे कैसे बोल लेते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो है किस तरह सारा दिन मरे रहते हैं, ये जुमे के दिन कहां से आप ताजा दम होकर आ जाते हैं। इनको बताओ कि मोमन की गिजाएं सिर्फ दुनिया के प्रोटीन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, विटामिन्स नहीं है। मेरे पास भी कोई दुआ है, मैं भी तो किसी चीज पे जाकर जीता हूं। मोमन के पास सारा सारे इलाज टीकों गोलियों के अंदर नहीं है, कुछ है। मेरे मामूजी का चेहरा तरोताजा रोशन था, पांच वक्त नमाज पढ़ते थे। मैंने एक दिन कहा आपको शुगर लगती ही नहीं, कह लगे मैं एक नाश्ता करता हूं। मैंने कहा वो नाश्ता क्या है, कहते सुबह उठ के तहज्जुद पढ़ता हूं, ये मेरा नाश्ता है, मैं तहज्जुद पढ़ता हूं, नाश्ता है मेरा। हाँ अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, फरमाया मेरा नाश्ता काशी यार खिला हुआ चेहरा बुढ़ापे के अंदर। मैंने कहा अच्छा, हजरत इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने पूछा, इब्ने कय्यम कहते मैंने अपने उस्ताद जी से कहा उस्ताद जी फजर का वक्त हो गया से लेकर के बाद नमाज़े फजर से आप शुरू हुए हैं विर्द करने अल्लाह के, और जोहर का वक्त होने वाला है, आप मुसल्ले पे बैठे हैं, उस्ताद जी रोटी नहीं खानी। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह ने मुड़कर कहा सल्फी सुने, मुड़कर कहा बेटा तेरे उस्ताद का नाश्ता खुदा का जिक्र है, तेरे उस्ताद का नाश्ता खुदा का जिक्र है। जिहाद किए, डरे नहीं, मंगोलों से बादशाह डर गए, इब्ने तैमिया तलवार लेके मंगोलों के मुकाबले में। ये वो हमारा इमाम है जिस जैसा इमाम अभी तक हुआ ही कोई नहीं, बाकी इमामों ने अपने जुल्म से हैं, इस इमाम ने तलवार के साथ जिहाद किया जाके, जिहाद किया जाकर के, सिर्फ कलम के साथ जिहाद नहीं किया। हाँ कलम के साथ मसाइल में शिद्दत आ जाना कोई और बात है, बंदे के अंदर जिहाद उस वक्त पैदा होता है जब वो क़ियामुल्लैल करता है, क़ियामुल्लैल करता है। नबी अलैहिस्सलाम के सामने आ गए, हजूर ने फरमाया एक दिन लोगों ने पूछा, नबी ने कहा सुनो जन्नत में कुछ ऐसे महल हैं जिनका बैरूनी हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आता है, मोतियों के बने हुए चमकदार शफाफ शीशे के बने हुए घर। अगर किसी आदमी ने देखे हों शीशे का घर, ये नहीं
कि आपका शीशे का घर गली में बना हुआ है और सारे बंदे आपको अंदर बाहर से देख रहे हैं कि अंदर बाजियां भी हैं सर, और लुके पठो, ये शीशे का घर नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा शीशे का घर बना हुआ होगा कि जिसके हजारों मीलों तक आपकी मलकियत के साथ, लाखों मीलों तक आपकी मलकियत के अलावा किसी की मलकियत नहीं होगी। आगे लॉन, आप सारे खुले महल, चरागाहें, हसीनो जमील जंगल, बहती हुई नहरें, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अनहार खालिदीना फीहा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हम वहां एक बहारों बागो बहार का एक ऐसा मंसूबा तैयार किए बैठे हैं तुम्हारे लिए, तर्जमा करें, बागो बहार का एक बाग होंगे और वो बाग क्या होंगे, पुर बहार होंगे, फूल खिले होंगे, फल लगे हुए, खुशबुएं आ रही होंगी, खुशबूदार अलग, फालदार अलग, सर सब्जो शदाब अलग, हर चीज फरमाया वहां पर अलग अलग हो रही होगी और खुशबुएं आ रही होंगी उसके अंदर से। और फिर फरमाया तजरी मिन तहतिल अनहार, नीचे नहीं दहरे बह रही होंगी, बेवकूफों नहर के किनारे किनारे जाते तो साथ में नजारा होता नहर के बहने का, फरमाया सैरें भी कर रहे होंगे, साथ उसके खूबसूरत आबशारे और नहरें साथ साथ बहती चका चौंध आंखें हो रही होंगी, फी खालदीना फीहा अबदा, हमेशा की जिंदगी उसके अंदर हम तुमको देंगे। फरमाया हमने, नबी ने फरमाया मोती के महल तैयार किए जाएंगे, शफाफ मोतियों के महल होंगे, फरमाया अंदर का हिस्सा बाहर से, बाहर का हिस्सा अंदर से, मुंह उनको नजर आएगा, बद्दू उठ खड़ा हुआ, बद्दू उठ खड़ा हुआ, हजूर ने बयान किया यहां ओ बद्दू तेरे नसीब, आप लोग उसको बद्दू कह देते हैं, अराबी कह देते हैं, वो पेड़ू कह देते हैं, ओ मैं कहता हूं उससे ज्यादा दुनिया में मां ने दादिशवर नहीं जमा। बद्दुओं ने जो रिवायतें नबी से की हैं जाकर पूछें, यकीन जाने सबसे ज्यादा आसान दीन बद्दुओं ने नबी से पूछा। बद्दू टू दी पॉइंट थे, फितरत से खेलते नहीं थे, फलसफियाना उल्टे सवाल नहीं थे उनके। आपके नौजवान बद्दू अल्लाह करे सारी कौम बद्दू हो जाए, मैं कहता हूं वो उस वक्त के बद्दू बन जाए, याल्ला इनको बद्दू बना, ये फलसफों के अंदर गर्क है, वो जी हकीकत रोजा समझाओ, वो जी हकीकत नमाज समझाओ, वो जी इसकी मार्फत समझाओ, वो जी इसकी बद्दू ने बात सुनी, उन्होंने कहा मुझे क्या हकीकत क्या है मार्फत क्या है, मुझे क्या हकीकत क्या है मार्फत क्या है, खुदा के रसूल बताइए करना क्या है। अल्लाह के नबी ने कहा पांच नमाजें, कहा पढ़ूंगा, जकात दूंगा, सदका दूंगा, रोजे रखूंगा, इस्तात हो हज करूंगा, उससे कहा ना बढ़ाऊंगा ना कम करूंगा, जा रहा हूं खुदा हाफिज। रसूल ने कहा अगर इसने बढ़ाया ना कम किया, देखो जनती जा रहा है, देखो जनती जा रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह, सादा दीन पर अमल किया, मैं तो तुमको कहता हूं सादा पर अमल कर लो, वक्त है फिर वक्त नहीं होगा, सादा के लिए भी ढूंढते फिरोगे और कितना सादा न्याय। अराबी ने बद्दू ने पूछा, खड़ा हो गया, नबी के सामने आया, कहा अल्लाह के रसूल ये किसके लिए है महल, कौन है जिनको ये महल मिल जाएंगे। हाँ प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अच्छी बात करे, जो अच्छी बात करे, अच्छी बात क्या है, बाखलाक होकर के दीन की बात अच्छी बात है, मन आसन कौलन, अल्लाह के कौल से बढ़कर कौन सा कौल हो सकता है, खुदा के दीन को बड़ा अच्छा करे। फरमाया जो अच्छी बात करे, फरमाया जो अच्छी बात करे, ससुराल की ना, अपने मां बाप की ना, यारों की ना, दोस्तों की ना, ननिहाल की ना, ददिहाल की, किसी की गीबत ना करे, हर एक के साथ दीनी हवाले से पेश आता चला जाए और उसके बाद भी अच्छा पेश आए, मुंह पर नहीं, मुंह पर नहीं, यह है अच्छी बात का पूरा क्राइटेरिया। किसी के सामने दो नंबर अखलाक बरत के, किसी के सामने दो नंबर अखलाक, यह अच्छी बात नहीं है कि आया तो अपना जाविया बदल लिया। फरमाया नहीं, एक बात, दूसरा भूखा आया तो रोटी मांगी खाना खिला दे, भूखा आया रोटी मांग ली का भूखा, ये दो नंबर भूखे हैं, ये दो नंबर भूखे हैं, कढ़ाई की दुकानों पे बैठे हैं, आ जाते जब आप रोटी खाने के लिए आते वो भी आ जाते हैं, प्रोफेशनल भूखे भूखे, एक असली भूखा। फरमाया आया, उसने आकर खाना मांगा, नबी ने फरमाया उसने उसको रोटी खिला दी, उसकी तमन्ना पूरी कर दी। इस फरमाया आपसे भी कोई रोटी मांगे, रोटी कहे रोटी खिला दो, पैसे नहीं मांगता था रोटी, बाबूजी रोटी खानी नहीं, फरमाया चलो रोटी खिलाता हूं, रोटी मांगे रोटी खिलाओ, किसी को रोटी को ना ना करो, इस्तात है तो खिला दो, क्योंकि वो खाता है, खाता नहीं तुम लोगों को खिलाता है अल्लाह। अल्लाह कहता तो अपने माल से दो तुम अल्लाह की राह में, फरमाया खिलाओ, और फिर अगली दो बातें कहीं वो रमजान के अंदर, फरमाया खूब रोजे रखे, खूब रोजे, एक रमजान ही पर क्या, रमजान के बाद भी आगे पीछे रोजे रखे,
अल्लाह को रोजे रख कर दिखाए, लोगों को क्या करे रोटी खिलाए, और अपने लिए क्या करे रोटी ना खाए, लोगों को अल्लाह के लिए रोटी खिलाए और खुद क्या करे अल्लाह के लिए रोटी ना खाए। सुनो ये अजीब बात है, किसी को अल्लाह के लिए खिलाए और खुद अल्लाह के लिए ना खाए। और फिर तीसरी बात कहा, अल्लाह को खुश करने के लिए जब दुनिया सो रही हो उस वक्त वो रात को उठकर खुदा की बारगाह में नमाज के लिए हाजिर हो जाए, नमाज के लिए हाजिर हो जाए। उम्मत का आपने क्याम बर्बाद कर दिया, सारा कुछ बर्बाद कर दिया,